कानपुर में संचालित राजकीय बाल संप्रेक्षण गृह अब पूरी तरह से बंद हो गया है। सभी 104 बाल बंदियों को इटावा भेज दिया गया है। इन बंदियों को इटावा महिला शरणालय की बिल्डिंग में शिफ्ट किया जाएगा। यहां पर रहने वाली 25 महिलाएं लखनऊ भेज दी गई हैं। जिले में बाल संप्रेक्षण गृह बच्चा जेल किराए की बिल्डिंग पर चल रहा था। क्षमता से अधिक बाल बंदियों को रखा गया था। इटावा में उनकी पेशी की जाएगी। नौबस्ता में करीब 20 वर्ष से किराए के मकान पर बाल संप्रेषण गृह संचालित हो रहा था। इस मकान में क्षमता से ज्यादा बाल बंदियों को रखा गया था। 50 की क्षमता वाले इस मकान में 104 बंदियों को रखा गया। जगह कम होने के कारण फिलहाल सभी को इटावा भेज दिया गया है, क्योंकि इसे चलाने के लिए कम से कम 8500 स्क्वायर फीट की जगह की जरूरत होती है। जिला प्रोबेशन अधिकारी जयदीप सिंह के मुताबिक राजकीय बाल संप्रेक्षण गृह कानपुर में पूरी तरह से बंद हो चुका है। सभी बाल बंदियों को पुलिस फोर्स के साथ इटावा महिला शरणालय भेज दिया गया है। पूरे स्टाफ और सामान को भी शिफ्ट किया गया है।